सुबह सुबह YouTube के पांच जबरदस्त अपडेट आ चुके हैं और पांचों अपडेट के बारे में यहां पे बात करेंगे विस्तार से। दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि YouTube पे जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं उनके लिए तो ये खबर काफ़ी बुरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये सारे जो अपडेट आए हैं क्या वो लॉन्ग वीडियो बनाने वाले YouTube क्रिएटर के लिए सही है या गलत है। तो जानना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम कमाल फारूक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि पहले एंड्रॉयड टी वी पर यूट्यूब शॉर्ट्स का ऑप्शन नहीं आता था, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो नहीं चलती थी, लेकिन जो अपडेट किया गया है उस अपडेट में यूट्यूब ने बताया है कि YouTube Shorts जो है अब Android TV में भी अवेलेबल हो जाएगा, बहुत जल्द Android TV में भी चलने लगेगा। दूसरा अपडेट भी काफ़ी कमाल का है दोस्तों। आपको तो पता है कि TikTok जब हम लोग यूज़ किया करते थे उस समय हम लोग जब TikTok का जो कोई भी वीडियो है वो गैलरी में डाउनलोड करते थे उस पीरियड में जो वाटर मार्क आता था वो जो भी चैनल होते थे उसका वाटर मार्क आता था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अब YouTube Shorts में भी कोई वीडियो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर वाटर मार्क आएगा, लेकिन यहाँ पर YouTube ने ये नहीं बताया कि YouTube Shorts वाटर मार्क आएगा या फिर जो हमारा चैनल है उसका नाम वहाँ पे वाटर मार्क में आने वाला है। तो ये दोनों कन्फ्यूज़न है, या तो YouTube Shorts हो सकता है या फिर जो आपका चैनल का नाम है वो वहाँ पे मेंशन होगा, वो वहाँ पे दिखेगा। तो वाटर मार्क बहुत जल्द YouTube Shorts पे आने वाला है। तीसरा अपडेट भी काफ़ी कमाल का है दोस्तों, ये है YouTube Shorts फंड को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता है कि जब YouTube Shorts आया था तो YouTube Shorts को बूम करने के लिए YouTube Shorts फंड जो है वो लेकर के आया था, जो कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 2021 से 22 तक था, लेकिन यहाँ पे आपको आने वाले समय में भी 2022 के बाद 2023 में भी आपको YouTube Shorts फंड जो है वो मिलेगा। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जिसको भी YouTube Shorts फंड मिले हैं या मिलेंगे उसको कुछ ज़्यादा ही अब YouTube Shorts फंड मिलने वाले हैं। तो ये मुझे अपडेट काफ़ी अच्छा लगा YouTube Shorts क्रिएटर के लिए। आगे चलते हैं चौथे अपडेट की तरफ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि YouTube Shorts जब आप देखते हैं तो वहाँ पर सर्च का ऑप्शन नहीं आता है, कोई भी चीज़ आप सर्च नहीं कर सकते YouTube Shorts पर जा करके, लेकिन आने वाले समय में आपको YouTube सर्च जो है ना, यानी कि YouTube Shorts सर्च जो है अब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप YouTube Shorts वीडियो देखेंगे तो उस पीरियड में आप YouTube Shorts पे जाकर के कोई भी चीज़ जो है ना Shorts वाला सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। पांचवें अपडेट की तरफ चलते हैं। पांचवा अपडेट भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि आजकल जो है ना YouTube पे पॉडकास्ट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पॉडकास्ट का जो चैनल है ना बहुत सारे लोग ओपन कर चुके हैं और उस पर अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप मनोज देवाई को देख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे YouTube ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब ऑफिशियल पॉडकास्ट जो है ना YouTube का आने वाला है, जो कि अब आप सभी लोग YouTube का ऑफिशियल पॉडकास्ट सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो हुआ है ना, इतना ज़्यादा पॉडकास्ट का जो रिस्पांस अच्छा मिल रहा था उसके मद्देनज़र YouTube ने क्या किया है कि ऑफिशियल अब खुद का पॉडकास्ट जो है वो लेकर के आने वाला है, जो कि कुछ ही दिन बाद आप सभी को मिल जाएगा। तो ये पांचों अपडेट आपको कैसा लगा, और साथ में ये ज़रूर बताइए कि ये जो पांचों अपडेट YouTube ने लेकर के आया YouTube Shorts के लिए, तो क्या इसे लॉन्ग वीडियो पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या हो सकता है कि आने वाले समय में लॉन्ग वीडियो का जो प्रचलन है वो बहुत कम हो जाए, या फिर लॉन्ग वीडियो अपलोड करने वाले लोगों की संख्या जो है बहुत कम हो जाए। ऐसे में आपका क्या मानना है आप हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट्स करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।